साहस सरोकार। डेंगू के डंक से हाहाकार, अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है, बड़ी खबर अंबेडकर नगर से बता रहे हैं। अब तक डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 247 हो गई है। डेंगू से मरने वालों की संख्या 2 हुई है। बड़ी खबर आपको अंबेडकर नगर से बता रहे हैं। 12 लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए हैं। अकबरपुर में 37 डेंगू का कहर लगातार जारी है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमीरपुर में शुरू हुआ अवैध खनन का खेल, बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं। मोरंग खदानों में दिन गरज रही प्रतिबंधित मशीनों के जरिए नदियों से निकाली जा रही है मोरंग, बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं। मोरंग माफिया नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिले में कई मोरंग की खदानें चल रही। चिकासी, खुरारा, जलालपुर, लालपुर समेत कई जगह अवैध खनन का काम हो रहा है। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध खनन का खेल जारी है। मोरंग खदानों में दिन प्रतिबिंब चल रही मशीनें, प्रतिबंधित मशीनों के जरिए नदियों से मोरंग निकाली जा रही है। मोरंग माफिया नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गाजियाबाद में घर में सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या की गई, बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पत्नी और बच्चों के साथ रहता था मृतक। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोनिका सिटी क्षेत्र की कुशाल पार्क कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण, घर में सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या की गई है, क्या वजह है हत्या की, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आपको बता दूं, ये गाजियाबाद के टोनिका सिटी कुशाल पार्क का पूरा मामला है, जहाँ पर एक युवक अपने घर में सो रहा था और वहाँ पर घर में उसका परिवार भी सो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर देना, ये कहीं ना कहीं पूरे गाजियाबाद को हिला देने वाला पूरा मामला था, जिसमें मौके पर पूरे पुलिस प्रशासन पहुंचता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है अभी फिलहाल के लिए। और बात करी जाए, जो अभी जो बात निकल कर आ रही है सामने की, जो युवक का गला रेता गया है उसमें आपसी एक रंजिश बताई जा रही है और कहीं ना कहीं परिवार का ही सदस्य इसमें बताया जा रहा है, जो उसमें परिवार का जो रिश्तेदार है उसकी बात निकलकर सामने आ रही है। जो सूत्रों की माने तो अगर बात की जाए तो वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है, प्रॉपर वहां पर हर एक पहलुओं पर जांच हो रही है कि आखिर किस तरह से वहां पर कोई साक्ष्य मिल जाए जिससे कि जो खुलासा है इस जो हत्या का वो सामने निकल कर आए। जी, धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। ठेका लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। रावतपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर का मामला बताया जा रहा है।